हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। नॉन फेरस मेटल्स के इस पार्ट में हम जानेंगे कॉपर के एलॉयज के बारे में। एलॉयज ऑफ कॉपर, जनरली जो कॉपर है उसके 400 से भी ज्यादा एलॉयज हैं जिनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है और उनके कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, साथ में उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ पांच एलॉयज के बारे में जानेंगे, मींस फाइव एलॉयज के बारे में जानेंगे, जिनमें से पहला है ब्रास यानी कि पीतल, दूसरा है मुंटजी मेटल, तीसरा है ब्रोंज यानी कि कांसा, फिर है गन मेटल, फिर आता है बेल मेटल। ब्रास यानी पीतल, पीतल एक एलॉय है यानी कि मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का, और इसको आप इसके एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि इससे बर्तन बनाए जाते हैं। साथ ही बर्तन के साथ साथ ये सोने के जैसी चमक रखता है, जिसके कारण सोने के साथ मिलाकर आभूषण भी बनाए जाते हैं। जो आप सुने होंगे ना, रोल्ड गोल्ड आभूषण मिलते हैं या बाजारों में जो मिलते हैं सस्ते, तो क्या है कि वो पीतल से ही बनाए जाते हैं। साथ ही पीतल का यूज डेकोरेटिव पर्पज के लिए, डेकोरेशन के लिए भी किया जाता है। डेकोरेशन के लिए कुछ मटेरियल्स तैयार किए जाते हैं, आइटम्स बनाए जाते हैं, वो भी पीतल से। पीतल में जनरली होता क्या है कि 2 से लेकर 36% तक जिंक होता है। अब जब कॉपर में जिंक मिलाते हैं तो कॉपर की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, थिकनेस भी बढ़ जाती है, हार्डनेस भी बढ़ जाती है, और ये जो जिंक है ये लगातार 36% तक जब मिलाते हैं तो हमें बाद में उसकी स्ट्रेंथ में चेंजेस देखने को मिलता है। तो जनरली पीतल जो है वो कॉपर और जिंक से बनता है। मुंडज मेटल, मुंडज मेटल एक ब्रास का टाइप है और इसके यूज से आप इसको समझ सकते हैं कि ये यूज क्या होता है। जनरली जो आपने टोंटी देखी होगी, कहीं कहीं पे टोंटी देखी होगी जो पीतल की होती है, तो उन पीतल की टोंटियां बनाने में या फिर सॉकेट्स बनाने में या पंप की कुछ सामग्रियां बनाने में मुंडज मेटल का यूज किया जाता है। मुंडज मेटल एक अल्फा बीटा टाइप का ब्रास होता है जिसमें 60% कॉपर होता है और 40% जिंक होता है, और ये एक बहुत ही अच्छा कोरोजन रेजिस्टेंस है, मतलब ये बहुत ही अच्छा संक्षारण प्रतिरोधी होता है, जिसके कारण इसमें संक्षारण नहीं होता, इसीलिए ये हवा और पानी या नमी से क्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका यूज पंप के कंपोनेंट्स बनाने में किया जाता है। साथ ही इसको किसी भी टाइप से मोल्ड किया जा सकता है। ब्रोंज यानी कांसा, कांसे का सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखे होंगे घर में लोटा और कटोरी वटोरी आप देखे होंगे, आप में से जनरली सभी के घर में होंगे, या नहीं होगा तो आप मूवीज में भी देखे होंगे। तो मतलब इस टाइप से एक लोटा होता है, तो उसको जनरली सामान्य भाषा में बोलते हैं फूल का लोटा यानी फुलाहा लोटवा। तो ये जो लोटा है ये जनरली कांसा से ही बनता है, और कांसा क्या है कि कांसा कॉपर और टिन का एक मिश्रण होता है, और कॉपर और टिन से मिलकर बना हुआ एक एलॉय होता है। इसमें 95% तक कॉपर लिया जा सकता है और 5 से लेकर 25% तक इसमें टिन लिया जा सकता है। साथ ही जो कांसा होता है ब्रोंज, वो स्ट्रांग यानी कि हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत और हार्ड होता है, कठोर होता है, और साथ में ये जो कांसा है ये पीतल यानी कि ब्रास से ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसका यूज रॉड्स बनाने में, सीट्स बनाने में और बैरिंग्स बनाने में, घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। गन मेटल, सामान्यतः ये एक ब्रोंज है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप इस बात से समझ सकते हैं इसके नाम से कि गन मेटल मतलब वह मेटल जिससे जिसका यूज गन बनाने में किया जाता है। पहले तो इसका यूज गन में किया जाता था, अभी तो कुछ इसके पार्ट्स स्टील द्वारा रिप्लेस कर दिए गए हैं। लेकिन इसका एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो ट्रक होते हैं या कार्स होती है उनके जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स में जो रिम लगी होती है मीन्स जिसमें टायर लगाया जाता है, उसको गन मेटल से बनाया जाता है। गन मेटल में होता क्या है कि 88% कॉपर होता है, 8 to 10% टिन होता है और 2 to 4% जिंक होता है। साथ ही
ये जो गन मेटल है एयर और वाटर के साथ कोरोजन रेजिस्टेंस है, मतलब एयर और वाटर के साथ ही कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन मशीन में इसको लगा के इस मशीनिंग प्रोसेस में की जा सकती है, इसीलिए इससे गियर्स, बैरिंग, वाटर पंप एटसेट्रा चीजें बनाई जाती हैं। बेल मेटल, बेल मेटल भी एक ब्रोंज ही है, और इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि बेल मेटल एक ऐसा मेटल जो बेल बनाने में यूज होता है। आपने मंदिरों में, स्कूलों में, चर्च में कई जगह घंटियां या घंटे लगे देखे होंगे, तो वो जो घंटियां बनी होती हैं वो बेल मेटल की ही बनाई जाती हैं। बेल मेटल एक हार्ड एलॉय है और जिसमें 80% कॉपर होता है और 20% टिन होता है, यानी कि रंगा, और इसमें एक सरफेस डिस्ट्रैक्शन कैपेबिलिटी भी होती है, इसके कारण इसमें सरफेस में विघर्षण होता है, विघर्षण की क्षमता होती है। इट्स कास्टिंग कैन बी डन इजीली, इसकी कास्टिंग आसानी से की जा सकती है, और इससे यही सब जो घंटियां हैं और कुछ घरेलू बर्तन ये सब बनाए जाते हैं। आई होप इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है मैंने वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।